शनिवार को स्टेडियम मैदान पर संभागीय शालेय हॉकी चयन स्पर्धा का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रतिनिधि दूर सिंह खोड़े, मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष मंजित सिंह चावला, जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार डोंगरे, नवरत्न पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर गोपाल यादव अतिथि स्वरूप मंच पर उपस्थित थे। शुभारंभ अवसर पर उपस्थित बालक बालिकाएं हॉकी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बापू सिंह परिहार ने कहा कि विद्यार्थी जीवन अमूल्य है, इसे पहचानें और इसका सदुपयोग करें। परिहार ने स्टेडियम मैदान में मौजूद खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप खूब पढ़ें लिखें, खूब खेलें और अपने परिवार समाज सहित देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी हबीब बेग मिर्जा ने स्पर्धा की जानकारी दी। मिर्जा ने बताया कि संभागीय हॉकी स्पर्धा में इंदौर, धार, बड़वानी और खरगोन जिले की बालक बालिका टीमें हिस्सा ले रही हैं। अंडर 17 आयु वर्ग के अंतर्गत कुल 150 से ज्यादा हॉकी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार डोंगरे ने कहा कि खरगोन जिले के स्कूली विद्यार्थी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करें, इसके लिए बालक बालिका खिलाड़ियों को शालेय खेल प्रतियोगिता के जरिए भरपूर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ये बड़वानी की जय हो। जय हो बड़वानी की जय। पावन गजा। पावन गजा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।